हवा चल रही है। क्या बात है। ये हम आ गए मिडवे। ज्यादा कॉस्टली नहीं होते उनमें आता है। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, हम रेडी हैं फेरी मेडोज के लिए। रात को हम 2 बजे यहाँ पहुँचे थे रेकूट ब्रिज पे। ये राशिद और ये सारे हम लोग, हमें यहाँ पे ना होटल नहीं मिला। ये हमारे पीछे एक होटल है, कौन सा है, शंग्रीला। पर इसका रेट है एक रात का जो एयर कंडीशन है ना वो 18,500 और जो विदाउट एसी है वो 13,000 का, और 4 बंदों से ज़्यादा एक कमरे में रह सकते। तो यहाँ पे कभी भी इस तरह से नहीं आना कि आपके पास टाइम ना हो। अगर आपको होटल सही मिले तो आपने रहना है, अदरवाइज़ आपको वापस जाना पड़ सकता है। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि जब भी प्लान करें यहाँ पे स्टे का ना प्लान करें, यहाँ पे आपको होटल सही नहीं मिलते। और ये जीप का यहाँ से ना जो फिक्स रेट है 16,100 रुपये है, ये फिक्स है, और 6 बंदों से ज़्यादा ऊपर नहीं बैठाते। क्या बीत रही है भाई, नाश्ता सब हुआ? भाई हम जा रहे हैं अब रेकूट ब्रिज से फेरी मेडोज की तरफ। पहले हम पहुंचेंगे तातू विलेज, इसके बाद हम जाएंगे हाइकिंग करके फेरी मेडोज इंशाल्लाह। हमारे साथ है सतवर खान ड्राइवर। सतवर खान माशाल्लाह, हाय अल्लाह। अब ये स्टार्टिंग है। पहले ये काफ़ी रफ था, अब काफ़ी बेहतर बना दिया इन्होंने, थोड़ा सा चौड़ा किया है। लास्ट टाइम मैंने जब विज़िट किया था तो एक जीप भी बड़ी मुश्किल से जाती थी, अब काफ़ी फ़र्क है। ये जो फेरी मेडोज का ट्रैक है ये दुनिया का दूसरा ख़तरनाक तरीन ट्रैक माना जाता है। लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा। बहुत मजे का ट्रैक है। आगे होटल से भाई जान, ये तातू विलेज भी एक छोटी सी शॉप है, आपको यहाँ से आगे हाइकिंग के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी। ये होटल भी है आगे, साथ होटल भी है, रिहाइश भी मिल जाती है। अच्छा चलो ठीक है, गुड चलें। ये सही मुनासिब रेट पे है, जितना ये बेचारे ऊपर लेके आते हैं सारी चीज़ें सही रहते हैं। अब ये तातू विलेज में है, यहाँ पर हमारी जीप, ये पीछे आप देखें, ये है पीछे, यहाँ पे हमारी जीप्स खड़ी होती हैं। उनको टाइम बताना होता है कि हम किस टाइम पे आएंगे एग्जैक्ट, आप 2 दिन का दे दें, 1 दिन का दे दें, तो उसी टाइम वो आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं।
तो अभी हम तातू विलेज से आगे हाइकिंग स्टार्ट करें चेरी मेडोज की तरफ। वीरे कहाँ जा रहे हो? औकात से बाहर। पहुंच से भी बाहर बेगम, आपकी पहुंच से दूर आ गया हूं मैं। यहाँ पे आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुर्शिद नजर नहीं आ रहा यहाँ से, बेगम मरेगी अगर उसको। कोई मसला नहीं, वी हैव ऑलरेडी डन। ये खोता है, हमारी जबान में से खोता कहते हैं, वैसे तो ये गधा है। ये देखो कितना प्यारा पुल है, लेकिन हो चुका है ये। यहाँ से नीचे उतरेंगे, ये वाला पुल है। हम यहाँ से पहले ये पुल नहीं था, हम वहाँ से गुजरे थे, अब ये बन गया। हम इधर से गुजर जाएंगे, इधर से भी गुजर जाएंगे हम वहाँ से ऊपर। हाँ उधर से। मेरे साथी तैयारी कर रहे हैं अपने हाइकिंग के लिए। पता नहीं यार ये कब तक तैयार होंगे, ऐसे तो वो भी नहीं तैयार होते। राजू भाई कोई रह गया आपकी तैयारी रहेगी? ओके 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 ओके, दैट्स द वे टू पेरी मेडोज। ये मेरी उंगली को नहीं इसको लग रही, अब लग रही। यहाँ से हमने गुजर के तातुविलेज से वहाँ से गुजर के चलो यार। ये चीज ओहो भाई भैया आया क्या 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 ओ मैं क्या ये हमने क्रॉस किया था पीछे इसके वो जीप तातू विलेज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से या नीचे से? ऊपर से नीचे। कैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? पिंडी। गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा रहा? सबसे अहम चीज है, अगर आप इतनी खूबसूरत जगह पे आते हैं तो उसको क्लीन रखना हमारा फर्ज है। ये ना सबसे ज्यादा जो इस एंट्रेंस का ना, ये देखिए एंट्रेंस है, यहाँ से हमारा ट्रैक थ्योरेटिकली और फिजिकली स्टार्ट होता है। क्या हाल है आपका? ठीक। किधर से आ रहे हो? पेरी मेडोज से। अच्छा कितना दूर है आगे? अभी बस आधा घंटा, एक घंटे का सफर है। मुझे हमें नहीं यार, चार घंटे लगेंगे। ठीक।
आर यू रेडी फॉर टीप हाइकिंग? किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? मेरे कसमे इतने आंदे अपने बंदे की वैसे बस हो जाती, तो जे तुसी थोड़ी थोड़ी देर बाद साह लेके जाओगे तो बड़ा ही आराम नाल पहुंच जाओगे। तो डरना कोई नहीं वीरे, ऐसा जिंदगी तो ऐसा है अगर तुहानू हाइकिंग का शौक है तो। कटी जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम। यार मैं फ्रेंड हूँ। कहाँ से आ रहे हो? ऊपर से आगे बियाल कैंप गए थे। बियाल भी गए थे हम, व्यू पॉइंट पे भी गए थे। वाओ, जर्मन याद उसे पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर आप नेचर लवर है ना, अगर आप नेचर लवर हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। और अगर कोई मुसीबत का मारा है तो फिर होता ही रहेगा। इससे भी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई आ रही है, मज़ा है, पता लगता है कि कोई चीज़ कर रहे हैं। फेरी मेडोज ये देखें, ये है ऊपर सीधी स्टीप। वीडियो में सही नज़र नहीं आती इसलिए। अली कैसा फील कर रहा है भाई? बहुत अच्छा जी भाई, बहुत मजा आ रहा है। अभी जंगल आ गया है और एंजॉय करना शुरू हो गए हैं। ये भाई नीचे उतर रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही जा रहे हैं। पता नहीं मुर्शिद का कब दीदार होगा। एक घंटे से हम चल रहे हैं, 1 घंटा 40 मिनट रह गए और 1 घंटा 20 मिनट हो गया। बियाल कैंप, फिर हम जाएंगे जर्मन व्यू पॉइंट, वहां से फिर वापसी। पैरामेडोज पहुंच के ना पता लगेगा होटलिंग का क्या रेंट है। और हम करते हैं कैंपिंग, लेकिन इस दफा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? रात को हो जाती सर्दी, अगर हो जाए बारिश तो फिर रात को रूम नहीं मिलते। एक दफ़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो जब आप लोग आओ मेरी बात को करना फॉलो। अगर तो आप चल सकते हो, फिट हो तो ठीक, वरना यहाँ से खच्चर या घोड़ा करवा लेना। हम तो आदि हो गए चल चल, खाना बदोश हो गया। ये सईद बहुत फिट बंदा यार। सईद कैसा यार? जी बहुत एंजॉय हो रहा है। हमारे 3-4 लड़के जो है ना वो आगे चले गए, ऊपर जा रहे हैं। मौसम बहुत ठंडा शुरू हो गया है तो अभी एंजॉय होना शुरू हुआ है। क्या बात, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्या बात है। Thank you.
ये हम आ गए मिडवे, जितना हमने रास्ता कर लिया इतना आगे पड़ा है। हम आ गए फेरी मेडोज, आपको सारा ट्रैक दिखा दिया है, फेरी मेडोज है, आओ हम आपको फेरी मेडोज दिखाते हैं। फाबी आला रब्बी को मातु का जीवान, इसी को तो जिंदगी कहते हैं यार, प्योर नेचुरल, ना कोई शोर, ना कोई धुआं, ना कोई टेंशन किसी किस्म की, कोई नेटवर्क बंद, व्हाट्सएप बंद, एक अलग सी जिंदगी यहाँ पे शुरू होती है और वो हम हर दफा गुजारने आ जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम इतने दिनों बाद कोई प्यारी सी जगह का टूर ना करें तो हमारी घुटन महसूस होती है, ये पहाड़ों से इश्क होता है। खैर फेरी मेडो को एक्सप्लोर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तस्नी भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा यार, ये ना फेरी मेडोज में बड़े रीजनेबल इनके हैं कॉटेज, तो मैं इसके पास आया हूँ, मैं आपको रूम दिखाता हूँ और इसकी प्राइस बताता हूँ। ये देखें जी, ये है वो जो मतलब नॉर्मल ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते उनमें आता है, ये 7 बंदों के लिए ये, और इसका ये 4000 भाई बता रहा है, वो एक रात गुजारने के लिए ये सही होता है। इधर इनके साथ किचन भी है, तो जब आप आएँ तो भाई से मिले ये देख लें, बड़े कोऑपरेटिव हैं।